एक समय था जब उन्होंने तांगे पर मसाले बेचे, पर आज वो एमडीएच का एम्पायर चलाते हैं। उनके बच्चे एक कमरे के चौल में रहते थे, आज उनका घर दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। उनको कहा गया कि एक दलित हमारे साथ कैसे बैठ सकता है, बट गेस व्हाट, उस एक दलित ने इस देश का संविधान लिख दिया। पॉइंट ये है कि बुरी परिस्थितियां हम सबके जीवन में आती हैं, उनके बीच जिनके आज हम एग्जांपल्स देते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि परिस्थितियां हमको कितना गिराती हैं, बल्कि हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी बार वापस उठकर उन परिस्थितियों से लड़ने का साहस रखते हैं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये भी बुरा है। करोड़ों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, लाखों व्यापार या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं, और हम में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक नौकरी या व्यापार नहीं खोया, बल्कि उन अपनों को खो दिया जो वापस नहीं आ सकते। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ, इट्स ओके अगर आप आज टूटा हुआ, हारा हुआ या कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसे ही महसूस करना चाहते हैं, या अब हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो इन परिस्थितियों को हमारे लिए बदल दे। सवाल है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कैसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, वो जैसा कोई नहीं बनना चाहता या वो जैसा सब बनने की ख्वाहिश रखते हैं। फैसला हमारे हाथ में है, पर याद रहे, समय नहीं। तो आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं जरूर कि आप आज से क्या नया करने जा रहे हैं जो इन परिस्थितियों को आपके लिए बदलेगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।